हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज़म। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्पेशल नीड बच्चों को कलरिंग कैसे सिखा सकते हैं बेसिक स्टेप से। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 3 साल की उम्र के हैं, एंड जो मदर्स का मुझे मैसेज आया था कि मैम स्टार्टिंग से हम बच्चे को कलरिंग कैसे सिखाएं, विद इन द बॉर्डर्स यू नो कलरिंग करना कैसे सिखाएं, तो इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ। और इस टॉपिक के ऊपर आज का हमारा पूरा वीडियो रहेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे हम बच्चों को कलरिंग विद इन द बॉर्डर्स कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी बच्चों के साथ में आप कलरिंग का टारगेट स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको क्रेयॉन्स जो है वो ऑयल पेस्टल कलर्स यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत आसानी से बहुत स्मूदली ये स्प्रेड हो जाते हैं एंड कलरिंग में भी आसानी होती है। तो प्रेफर्ड यही होता है कि आप ऑयल पेस्टल कलर्स यूज़ करें। सेकेंडली, आपको थिक क्रेयॉन्स यूज़ करने हैं जो बच्चों को ग्रिपिंग में यू नो हेल्पफुल, जो बच्चों को ग्रिपिंग में हेल्प करता है। इससे भी मोटे यू नो क्रेयॉन्स आते हैं। अगर आपको लगता है कि ये भी बच्चा अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पा रहा है, इसमें भी अगर बच्चे को ग्रिपिंग इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उससे भी मोटे यू नो राउंड शेप के क्रेयॉन्स आते हैं, आप वो स्टार्टिंग में बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप से ईजिली मिल जाएंगे या फिर आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाले जो क्रेयॉन्स है इससे मेरा बच्चा यू नो कलरिंग कर पाएगा, इतने मेरे बच्चे में ग्रिपिंग इश्यूज नहीं है, तो आप ये ऐसी थिकनेस वाले ऑयल पेस्टल कलर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ट्रायंगुलर, अगर आप देखेंगे ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स भी आते हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं ग्रिपिंग के लिए, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड एंड कम्फर्टनेस, आप कोई भी इनमें से क्रेयॉन्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हम विद इन द बॉर्डर्स बच्चे को कलरिंग करना कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे एलिवेटेड बॉर्डर्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने आइसक्रीम स्टिक से ये एलिवेटेड बॉर्डर बनाया है, अगर आप देख सकते हैं। एलिवेटेड बॉर्डर बहुत ज़्यादा यू नो हेल्प करता है बच्चों को विद इन द बॉर्डर्स कलरिंग करने में। ठीक है, आप देखेंगे कि बच्चे को स्टार्टिंग में लॉजिक नहीं समझ में आता है कि कैसे मुझे कलरिंग करना है। अगर आप सिंपल कलरिंग शीट्स बच्चे को देंगे तो बच्चा उसमें कर नहीं पाएगा और वो ऐसे जस्ट स्क्रिबल करेगा और फिर वो यू नो आउट ऑफ द बॉर्डर्स चला जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में हमको बच्चे को ये अगर लॉजिक सिखाना है कि कलरिंग विद इन द बॉर्डर्स कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको एलिवेटेड बॉर्डर्स यूज़ करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एलिवेटेड बॉर्डर्स आप आइसक्रीम स्टिक से बना सकते हैं, आप क्ले से बना सकते हैं, आटा से बना सकते हैं, आप घर में यू नो कोई बैंगल यूज कर सकते हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, आप स्ट्रॉज यूज कर सकते हैं, आप बहुत सारे तरीके आप यूज कर सकते हैं। ये इनमें से एक तरीका मैंने आपको दिखाया है वीडियो में कि मैंने आइसक्रीम स्टिक्स लगाए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये देखिए ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको एलिवेटेड बॉर्डर्स बनाने हैं ताकि बच्चा विद इन द बॉर्डर्स कलरिंग करने का कंसेप्ट सीख जाए। ठीक है, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप बच्चे को कलरिंग सिखाते हैं आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चों की सिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार बच्चों की सिटिंग प्रॉपर नहीं होती है, फिर वो हैंड पोस्चर ठीक नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे के जो फीट है वो नीचे प्रॉपर ज़मीन पर लगे होने चाहिए, फीट ग्राउंडेड होने चाहिए। जो बच्चों का जो सिटिंग है यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि जो डेस्क है वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली बच्चे को कंफर्टेबल होना चाहिए। उस तरीके से आपको बच्चे की सिटिंग यू नो अरेंज करनी है। ठीक है, अभी हम बच्चे को कलर देंगे और बच्चा विद इन द बॉर्डर्स कलरिंग करेगा। एक और चीज़ का पेरेंट आपको ध्यान रखना है, कई बार बच्चे ना अपना ये जो फिस्ट होता है ये नीचे लगाते नहीं हैं, मतलब नीचे टच नहीं करते और ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में बच्चे क्रेयॉन को पकड़ते हैं और कलरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चे को थोड़ा सिखाना है कि आपको ये अगर आप यू नो सिखा सकते हैं, या अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को फिजिकल प्रॉम्प्ट करके ऐसे आप बच्चों का हाथ नीचे करके पोजीशन, जो आर्म है, जो अपना फिस्ट है उसकी पोजीशन ये होनी चाहिए ताकि बच्चा ईजिली फिंगर्स को मूव कर सके और यू नो अच्छे तरीके से कलरिंग कर पाए। ठीक है, यहाँ जैसे जैसे बच्चे का हाथ
ऐसे ऊपर को जाता है, आपको फिर से फिजिकल प्रॉम्प्ट दे देना है और आपको बच्चे को अच्छे से कलरिंग करवानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिवेटेड बॉर्डर्स की वजह से बच्चा बाहर बिल्कुल भी जाने की गुंजाइश ही नहीं है। हमने इसको यू नो एररलेस टीचिंग हमने मेथड अप्रोच हमने ली है, हम यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चा अच्छे तरीके से कलरिंग कर पाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा ऑयल पेस्टल कलर्स यूज़ कर रहा है, तो ऑयल पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा इजीली यू नो स्प्रेड होते हैं पेपर पे और स्मूथ कंसिस्टेंसी के होते हैं, तो रेकमेंडेड यही होता है कि आप ऑयल पेस्टल कलर्स यूज़ करें। अभी हमने ट्रायंगल शेप लिया है, अभी बच्चा ट्रायंगल को कलरिंग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना इजीली बच्चा अच्छे से कलरिंग कर सकता है। छोटे बच्चे थोड़ा सा यू नो स्पेस जो है वाइट स्पेस छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी हमारा सिर्फ गोल यही है कि हमें विद इन द बॉर्डर्स बच्चे को कलरिंग करना सिखाना है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे को हम सिखा सकते हैं। अभी आता है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे हमको क्या करना है, आपको लगना यू नो फेड ऑफ करने का स्टेज आ गया है, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे? देखिए, नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, आपको ऐसे एलिवेटेड बॉर्डर्स अभी हम फेड ऑफ करेंगे, अभी हम ऐसे थिक बॉर्डर वाले जो ड्राइंग्स है वो बच्चे को देंगे। देखिए कितना थिकनेस है, ये जो बॉर्डर्स है वो कितने थिक है। यहाँ पे हम बच्चे को फिर से वो यू नो विजुअल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि बेटा ये थिक जो बॉर्डर है इसी के अंदर आपको कलरिंग करनी है। ठीक है, डायरेक्टली आप नॉर्मल जो कलरिंग शीट्स आप देते हैं उस पर आप जंप नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप हम फेड ऑफ करेंगे और एक एक स्टेप हम कलरिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अभी जो नेक्स्ट लेवल होगा एलिवेटेड के एलिवेटेड बॉर्डर्स के बाद में, वो नेक्स्ट स्टेप होगा ये वाला थिक बॉर्डर्स वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि इतने थिक बॉर्डर्स है बच्चे को बहुत अच्छा विजुअल यू नो प्रॉम्प्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा बच्चे को विजुअली क्लू हम दे रहे हैं कि बेटा इसके अंदर ही आपको कलरिंग करनी है। इफ़ इन केस अगर बच्चा फिर भी बाहर जाता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, विद प्रैक्टिस ये चीज़ ये स्किल बच्चा सीख जाएगा। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे ऑयल पेस्टल कलर्स नहीं यूज़ किए, अब मैंने सिंपल यू नो सिंपल वैक्स क्रेयॉन्स मैंने ले लिए हैं। अभी अगर आपको लगता है कि बच्चा सिंपल प्लास्टिक क्रेयॉन्स भी यूज़ करने के लिए रेडी है तो आप सिंपल प्लास्टिक क्रेयॉन्स दे सकते हैं। अगर इसमें भी अगर आपको होल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बच्चों को ग्रिपर दे सकते हैं, ग्रिपर्स भी आते हैं क्रेयॉन के लिए, आप ग्रिपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए पेरेंट्स, इस तरीके के आप ग्रिपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बच्चे में यू नो बच्चे को ग्रिपिंग के इश्यूज आ रहे हैं तो आप इस तरीके से, बहुत सारे ग्रिपर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, आप इस तरीके से ग्रिपर्स भी बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा अच्छे से कलरिंग कर पाए और बच्चे के हाथ से वो जो क्रेयॉन्स है वो स्लिप ना हो। तो इस तरीके से आप बच्चे को विद इन बॉर्डर्स यू नो कलरिंग करना सिखा सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे हमने जैसे थिक बॉर्डर्स लिए थे, नेक्स्ट लेवल पे आपको उसका जो बॉर्डर्स का जो थिकनेस है वो और कम करते जाना है। देखिए जैसे अभी मैंने ये वाली शीट ली है, इसके अंदर आपने अगर आप देखेंगे तो पहले से कंपैरेटिव इसका जो बॉर्डर है वो उसकी जो थिकनेस है वो कम है, बच्चे के लिए कलरिंग का टारगेट ले सकते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पर भी हम बच्चे के लिए ग्रिपर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बच्चे के अकॉर्डिंग आप ग्रिपर्स फेड ऑफ करना चाहते हैं तो आप फेड ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे के हाथ से स्लिप हो रहा है, तो आप ऑयल पेस्टल कलर्स से कंटिन्यू कर सकते हैं या ग्रिपर की हेल्प ले सकते हैं। कोई भी तरीके से आप बच्चे को ये कलरिंग विद इन द बॉर्डर्स उसका टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। एक और तरीका फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगी, कई बार पेरेंट्स आप बच्चों को मॉडलिंग से भी यू नो एग्जैक्ट कलरिंग सिखा सकते हैं, इनफैक्ट आप मॉडलिंग से भी मॉडलिंग करके बच्चे के सामने बहुत सारे स्किल्स आप बच्चे को सिखा सकते हैं, तो कलरिंग उनमें से एक स्किल है। आप बच्चे के साथ में यू नो कलरिंग करिए और बच्चे को दिखाइए, एंड जब भी आप कलरिंग कर रहे हैं आप खुद सेल्फ टॉकिंग करिए कि देखो मैं तो विद इन द बॉर्डर्स कलर कर रही हूँ, ये जो ब्लैक कलर का जो लाइन है इसको बोलते हैं बॉर्डर, और मैं विद इन द बॉर्डर्स कलरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे हम ज़्यादा बच्चे को यू नो करेक्शन नहीं करेंगे या हम कुछ बच्चे को टोकेंगे नहीं या उसको यू नो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि आप कैसे कर रहे हो बॉर्डर्स के बाहर कलरिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम बस अपनी कलरिंग इतनी अच्छी करेंगे और अपने तरीके से सेल्फ टॉकिंग करते रहेंगे कि देखो मम्मा विद इन द बॉर्डर्स कलरिंग कर रही है, मम्मा को तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करके आप बच्चे को यू नो मॉडल कर रहे हो कि कैसे कलरिंग करनी है, तो बच्चा आपको देख देख कर बच्चा आपको इमिटेट करेगा और बच्चा भी काफ़ी हद तक कलरिंग करना सीख जाएगा।
एक और चीज़, कई बार बच्चे जैसे मैंने आपको कहा कि वो यू नो प्रॉपर से कलरिंग नहीं करते हैं, बस हाथ ऊपर उठा के वो बस ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, स्क्रिबलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से हम बच्चे को मॉडल कर सकते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रोक्स कैसे देने हैं। जैसे मैं जैसे यहाँ पर आप बच्चे को सिखाएंगे, देखिए जैसे आप बच्चे को यहाँ पर सिखाएंगे कि हम अप डाउन ऐसे करके अप डाउन ऐसे करके छोटे स्ट्रोक्स हम बच्चे को देना सिखाएंगे, कई बार बच्चे ऐसे कलरिंग करते हैं तो हम बच्चे को मॉडल करेंगे कि देखो बेटा ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स आपको कलरिंग। ये देखिए जैसे अभी यहाँ पे फ्लावर का टारगेट है, अभी फ्लावर के पेटल्स अगर आप देख सकते हैं तो छोटे छोटे हैं, तो बच्चे को इसमें ऐसी जो ड्रॉइंग्स है इसमें बच्चे को स्ट्रोक्स देना बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चे को बस आपको ये ट्रेन करना है, ये मॉडल करना है बच्चे के सामने कि आप अप डाउन ऐसे ऐसे करके आप कलरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप जैसे सिखाएंगे कि अप डाउन ऐसे अप डाउन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप डाउन ऐसे करके आप बच्चे को अगर मॉडल करेंगे कि बेटा छोटे छोटे स्ट्रोक्स देने हैं तो फिर बच्चा अच्छे से कलरिंग करना सीख जाएगा और आपको मॉडल करेगा। ये देखिए जब छोटी स्पेसेस होती हैं तो बच्चे को कलरिंग करने में, स्ट्रोक्स देने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। देखिए पेरेंट्स, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं और परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। बच्चे जो है वो नया स्किल जब लर्न करते हैं तब हमें एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें और हम ज़्यादा करेक्शन ना करें। तो जैसे भी बच्चा कर रहा है कोई बात नहीं, ज़्यादा आप टोकेंगे नहीं, आपको जैसे मैंने कहा आप खुद मॉडलिंग करेंगे और आप बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, आप जितना हो सके आप उनको यू नो हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि उनके ग्रिपिंग इशू ना हो, और ऐसे थिक बॉर्डर्स यूज करेंगे, छोटे छोटे पिक्चर्स, छोटे छोटे फ्रेम्स वाले आप ड्राइंग्स लेंगे ताकि हर तरीके से बच्चे को हम आसानी यू नो आसानी से ये जो कलरिंग का स्किल है वो सिखा सकें। और यहाँ पे अभी मैंने तो बड़ी वाली पिक्चर ले ली है, ज़्यादा जैसे जैसे ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स हैं आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे एलिमेंट्स लीजिए, ज़्यादा बिग ड्राइंग्स आप मत लीजिए, आप छोटे छोटे सेशंस रखिए, बस 2 मिनट का 1 मिनट का उतना ही सेशन रखिए, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको आप छोटे छोटे सेशंस में ये स्किल सिखाइए। बड़े सेशंस ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होते हैं, छोटे फ्रीक्वेंट सेशंस ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं ताकि बच्चा बोर ना हो जाए और नेक्स्ट टाइम वो ये स्किल से या यू नो नेक्स्ट टाइम वो कलरिंग करने से भागे ना, इसलिए हमें छोटे फ्रीक्वेंट सेशंस करवाने हैं। लास्ट लेवल पे आपको ऐसे यू नो ऐसी वर्कशीट्स लेनी है जहाँ पे रेगुलर बॉर्डर्स होते हैं। यहाँ पर भी देखिए पेरेंट्स, ये स्किल को टाइम लगेगा, ये लेवल पे आने के लिए बच्चों को टाइम लगेगा, खास करके जो बहुत छोटे बच्चे हैं 3-3 साल के जो बच्चे हैं उनको ये लेवल पे आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आप पेशेंस रखेंगे और कंसिस्टेंटली आप बच्चे के साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे तब डेफिनेटली आपका बच्चा ये स्किल सीख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे कलरिंग का टारगेट लिया था, और इस तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप कलरिंग का टारगेट ले सकते हैं एंड आप अपने बच्चों को कलरिंग स्किल सिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।